घटवासी है प्रभु अविनाशी करता सात संगत जी, प्यार से कहना धनंगार जी। मुंबई जोन का आज जहां समागम रूप ये सभी ने इसी का आनंद लिया, और कैसे फिर जहां पिछले कुछ महीनों से ये हफ्ते में तीन दिन जिसमें फ्राइडे इंडिया के बाहर की सत्संग और वेंसडेज को भारतवर्ष से, तो आज जहां ये उस रूप में तो आखिरी जोनल टूर है जो अब देश विदेश सभी के उस रूप में तो पूर्ण हो गए आज, तो दातार ये कृपा करे कि अब फिजिकली हर जगह जाकर आप संतों के बीच पहुंचकर सत्संग का आनंद लिया जाए, और कैसे हर एक संत के मन के भाव यही रहे कि ये निराकार, ये सच्चाई, इसको पहचान लें और अपने आप ही खुद की पहचान हो जाती है। तो कैसे हमने हमेशा जहां पूरे संसार के लिए एक अच्छा इंसान बनना है, खुद के लिए भी और सभी के लिए भी, तभी ये जो आज पंक्ति भी दासी के स्टेज के पीछे कि मानव को मानव हो प्यारा, एक दूसरे का बने सहारा, कि फिर एक हर इंसान को दूसरा इंसान प्यारा कैसे लग सकता है, वो जब बीच में परमात्मा देख लेते हैं तो फिर सभी अपने सभी प्यारे लगते हैं। और जो ये सेकंड स्टेज की बात है कि फिर हमने एक दूसरे का सहारा बनना है, तो वो सहारा कैसे बन सकते हैं, तो वो अपने आप को अगर हम दिन में देखें कि चाहे हम कितने भी बिजी हों, तो छोटी छोटी चीजें किसी के लिए समय निकालना, चाहे कभी अपना भी दिन अगले दिन सुबह अर्ली स्टार्ट होता है, पर किसी के लिए अगर हम उपस्थित हो सकें, चाहे अपनी नींद सैक्रिफाइस में होए, या फिर पूरे दिन में अगर ये लगे कि हमने कैसे अपने आप को एक दूसरे के लिए हमेशा रेडी रखना है कि हर किसी की जहां जैसी जरूरत है तो हम सेवा अपनी अर्पण कर सकें, क्योंकि उसको अगर हम एक मदद का भाव मन में लाएंगे
तो हर कोई जहाँ अपना है कोई पराया नहीं। मदद तो पराया रूप ले लेती है, पर सेवा एक समर्पित रूप होती है। तो ऐसे ही ये समर्पित भाव से संत हमेशा जहाँ सेवा करते आए हैं, सत्संग से एक संतमती हरेक के भाव सुनने का भी मौका मिलता है। अपने भी ये संतों के साथ जब शेयर होते हैं थॉट्स, तो कैसे फिर एक अपने अंदर की क्लैरिटी और बढ़ जाती है, अपने अंदर के गुण मल्टीप्लाई हो जाते हैं, अपने जीवन में अपने पल पल में हम और अच्छे से अपने किरदार को एक पॉजिटिवली इस्टेब्लिश कर पाते हैं। एक खुद को भी जहाँ वो एहसास आता है कि जो है इस परमात्मा का दिया बहुत ही खूबसूरत हर पल ये पूरी जिंदगी का, और वहाँ एक दिल हमेशा उत्साहित रहता है कि पूरे संसार को ही कैसे हम और ज़्यादा आनंद दे सकें और ज़्यादा खुशी दे सकें, किसी के लिए किस तरह एक अपने आप को समर्पित रूप में उनके लिए भी कुछ कर सकें। तो कैसे मन में भी फिर ये निरंकार ही हर समय हर पल इसी का चेता इसी का ध्यान ये सिमरन रूप में भी, तो हर कोई जहाँ अपने जीवन में यही बात कि अपने आप को जहाँ ठीक रखा जाए, कोई गलती होने पर अपने आप को कोसने की बजाय दातार से बख्शवाना कि ये आगे से ना हो, और वहीं संसार के हर इंसान के लिए दिल से ये कामना कि हर कोई हमेशा इस ही जीवन में जो जिंदगी के हर पल हैं उनको कैसे हर पल को टोटालिटी में हर पल को पूर्ण रूप में एक अच्छे रूप में ही जिया जाए, और किस तरह हम अपने दिमाग पे कोई ऐसी बात को हावी ना होने दें जो हम इंसानी तो हैं पर हमारी इंसानियत कम कर दे। तो एक इंसान का असली रूप ये इंसानियत हर एक में जहाँ हर पल छलके, और वो संभव भी तब जब ये निराकार परमात्मा इस भगवान का हमेशा एक एहसास मन में होता है, और फिर अपने आप ही एक बेहतर इंसान बनने की चाह हमेशा लगी रहती है। तो जहाँ बहुत ही सारे गुण संसार में हैं, हम जहाँ पे ये कण कण से भी शिक्षा लेते हैं, अपनी लाइफ में प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी भी जीते हैं, तो ऐसा करते हुए अपने आप को सुधारने के लिए बहुत ही ये हमारे पास पल हैं जीवन के, और दिन के कितने हैं, हर पल में भी अगर कुछ पल और कुछ नया अच्छा सीख के आगे के जीवन को सुखमय किया जा सकता है, वहीं हर पल अपने अंदर के ये जो नेगेटिव भाव हैं उनको भी अपने अंदर से एक निकाला जा सकता है। तो अगर हम यही समझ लें कि एक दिन अभी से आज से ही अगर अपने आप के बारे में उस तरह एनालाइज करके कि हमें और क्या सीखना है और क्या अपने मन के भाव गवाने हैं, उसी पे अगर ध्यान दें और हर दिन फिर इसी प्रकार चलता रहे, तो फिर हमारे पास समय ही नहीं है कि किसी दूसरे की खामी देखें, और जब भी कुछ दिखे भी तो फिर यही भाव आए कि ये चीज़ अगर इनकी हमें पसंद नहीं आई, दातार कृपा करना कि ये अवगुण हमारे अंदर ना आ जाए। तो इस तरह अपने आप को जहाँ सही रखना है वहाँ कोशिश हर किसी को भी हम अपने कर्मों द्वारा संभाल पाए। सात संगत जी धन्यंगार जी। तेरी ओर पे सहारा तेरा, तन मन भूले कहीं अवतार तेरे ही दाता, दिन राती। Thank you.
सरकार मेरी मंग है दाता, मेरी मंग है दाता, तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार, मेरा डोले ना एतबार, मेरा डोले ना एतबार, बख्शो शरदा भगती प्यार, बख्शो शरदा भगती प्यार, करा मैं संता दा सत्कार, करा मैं संता दा सत्कार, तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, एक तू ही सद्गुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राज माता गुरु वचन अवतार की जय। प्यार से बोलिए निरंकार जी।